सो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय सोहेल और वेलकम टू टेक्निकल सोहेल। और गाइस, आज का इस वीडियो में बहुत मजेदार है क्योंकि काइन मास्टर को होम स्क्रीन में मैं अपना फोटो लगा के रखा हूँ। अगर गाइस आप काइन मास्टर के होम स्क्रीन पे आप अपना फोटो लगाना चाहते हो लाइक दिस, मैं अपना लगाया हूँ तो आप अपना लगाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। और भाई देखो कितना ऑसम लग रहा है काइन मास्टर के बैकग्राउंड पे अपना फोटो, और गजब मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग, इतना गजब लग रहा है। और आपका फोटो काइन मास्टर के होम स्क्रीन में, और आप ये ट्रिक जान जाते हो तो आप कोई भी ऐप में लगा सकते हो अपना फोटो। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइस, और एक चीज़, आप कोई भी दिक्कत में हो या प्रॉब्लम है तो इस मतलब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, भाई मैं नहीं सक रहा, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। और अच्छा से एक मतलब वायरल करो यार इस वीडियो को, क्योंकि ऐसा टॉपिक कोई बनाया नहीं है वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल जरूर करना। सो गाइज, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जब आप काइन मास्टर को ओपन करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, मतलब कुछ माउंटेन बैकग्राउंड में देख सकते हो गाइज, माउंटेन का पिक सब है और स्लाइड होते होते जिसके अंदर आप अपना फोटो लगाने के लिए सिंपल है, पूरा इस ट्रिक को देखते जाना और एंड तक वीडियो को देखना। तो गाइज, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जिसका नाम है एपीके एडिटर। तो एपीके एडिटर को आप ओपन कर लें, देन गाइस आपको सेकंड वाला सिलेक्ट एपीके फ्रॉम ऐप, सो गाइस इसमें जाना है और आप काइन मास्टर को सर्च कर लेना है। तो मैं काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, काइन मास्टर में आप जब भी क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, तो सबसे फर्स्ट में आपको क्लिक कर देना है फुल एडिट। एंड गाइस, आपको फाइल्स में जाना है, जैसे कि आपको देख सकते हो फाइल्स में, तो एरर को देख के भी समझ सकते हो, आपको फाइल्स में चला जाना है। सो गाइज, आप देख सकते हो फाइल्स में मैं चला गया। सो गाइज, उसके बाद आप जब फाइल्स में जाते हो तो कुछ ऐसा आता है, आपको सिंपली जो एरो देख रहे हो ऊपर तरफ, उसमें आपको क्लिक करना है, देन असिस्ट में क्लिक करना है एंड बैकग्राउंड्स में क्लिक करके 16:9 में क्लिक कर देना। और गाइज, यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर सब है, तो आपको सिंपली एक पिक्चर को सिलेक्ट करना जो सबसे पहला में है, सॉरी इसमें टिक लगाना है, टिक में लगाने में गाइज आपको डिटेल में क्लिक कर देना है और जो इसका टोटल है ना, ये टोटल कॉपी कर लेना। सो गाइज, आप देख सकते हो मैं डिटेल में जाता हूँ और ये पूरा .dts को भी कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइज, कॉपी करने के बाद गाइज इसको आप ऐसे ही रख दें और आप चले जाएं येस फाइल में। तो इसमें आप कोई बहुत अच्छा फाइल मैनेजर है और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो इस पे जाने के बाद गाइज आपको सिंपली क्या करना है, आप जो फोटो सबसे बनाओगे मतलब जैसा कि इमेज सब, सो गाइज कुछ पिक्चर सबको आप सिलेक्ट कर लेना है और वो पिक्चर सब 16:9 रेशियो रहना पड़ेगा, 16:9 रेशियो जैसे पिक्सल साइज है उसका 16:9 रेशियो रहे, नहीं तो गाइज आप अपना मुताबिक जो फ़ोटो दोगे तो वो अच्छा नहीं आएगा और बहुत घटिया आएगा, मतलब आपको मुख बहुत चौड़ा कर देगा और आपको छोटा भी कर सकता है ऐसा। तो 16:9 रेशियो को क्लिक कर लेना है, पिक्सल लैब से आप बना लेना। सो गाइज, ये जो फोटो सबको मैं ऐड करना चाहता हूँ इधर ऐड कर दिया, जो फोटो को आप ऐड करना चाहते हैं इधर से क्लिक करके ऐड कर लें। ऐड करने के बाद गाइज आपको रीनेम का ऑप्शन आता है, तो आपको रीनेम में क्लिक करना है और जो मैं कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करना है और .dds को रिमूव कर देना है, .dds को भी रिमूव कर देना है। और गाइज, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आप जो क्लिक देख रहे हो वहाँ पर पेस्ट करना है और जो डॉट रहे डॉट से इधर वाला साइड सब जैसे .dds रहे इधर और ओके कर दें। ओके करने में गाइज पिक्चर सब कुछ ऐसा होता है और ये पिक्चर सबको आपको मतलब कोई फाइल में इन्वॉल्व मतलब मूव कर लेना है या कॉपी कर लेना है। सो गाइज, मैं सिंपली कर लेता हूँ। सो गाइज, कॉपी करने में गाइज आपको आ जाना है अपना जो एपीके एडिटर में, और जो ये सब है ना MDDS ये सबको आपको यहाँ पर ऑल में मार्क ऑल उसमें क्लिक करके ये सबको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने में गाइज यहाँ प्लस का आइकॉन, ओनली प्लस फाइल नहीं, प्लस का आइकॉन में क्लिक करना है। सो गाइज, आप यहाँ पर एरो को जो देख रहे हो उसमें क्लिक कर देना है, उसके बाद जो फाइल में आप मतलब उसको रखें तो आप सिलेक्ट कर लो। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पिक्सल लैब खोल के यहाँ पर मैं सेव किया हूँ, तो सबसे पहले जो वन है उसको आप सिलेक्ट करना। सो गाइज, फिर से फाइल में जाना और फिर से जाने के बाद गाइज आप क्या करोगे, आपको फिर से जो फाइल में आप रखे हो उसको क्लिक कर देना, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ मतलब पिक्सल लैब में रखा हूँ तो पिक्सल लैब पे गया, देन सेकंड वाला जैसे
टू, तो टू को आप क्लिक करते हैं, वहां से करके आप सब अप्लाई कर दो जितना फोटो आप करना चाहते हो, तो मैं कर देता हूँ। सो गाइज मैं सब कर दिया हूँ जितना चाह, मैं फोटो काइन मास्टर के बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ, तो मैं पांच फोटो लगाना चाहता हूँ, तो पांच फोटो को मैं कर चुका हूँ। उसके बाद गाइज क्या करना है आपको, यहाँ पर बिल्ड बोल के शो हो रहा है, तो आपको बिल्ड में क्लिक कर देना है, और ये स्टेप वन, ये साइनिंग, सिर्फ दो साइनिंग हो रहा है, सिर्फ वन मिनट या डेढ़ मिनट में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो ये हो चुका है, और आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो आपको फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइज, आपको वो अनइंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हो, अब यू वेट वेट आपको पिक्चर सब आ जाएगा, इसीलिए एक लाइक जरूर करना, मैं पहले ही डेफिनेटली कह देता हूँ, एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करना। सो गाइज आप देख सकते हो काइन मास्टर के होम स्क्रीन में मेरा ये फोटो, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, आप अपना फोटो काइन मास्टर के बैकग्राउंड में लगा सकते हो। और गाइज हाँ, आप ऐसा करके कुछ दूसरा ऐप्स का भी आप अपना फोटो लगा सकते हो होम स्क्रीन पर। सो गाइज आप देखो, और हाँ गाइज ये याद रखना 16:9 रेशियो को पिक्चर होना चाहिए, आप पिक्सल ऐप से क्रिएट कर लेना या पिक्सआर्ट से। सो गाइज रियाज भाई के यहाँ पर फोटो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हाँ गाइज 16:9 रेशियो पिक को क्लिक करना, अगर आप 9.16 रेसीव कर देते हो तो आपको प्रोटेक्ट फोटो मतलब बिगड़ जाएगा, वो छोटा करके एक ही मतलब 16:9 रेसीव के अंदर ही करने की कोशिश करेगा, और फोटो आपका हाथ ऐसे तो नाक ऐसे तो सिर बहुत बड़ा ऐसा हो जाएगा, इसलिए बहुत सारा मतलब ये सब ध्यान दे के करना, और बहुत सिंपल है गाइस। तो बस इस वीडियो इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस देखने के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, सब्सक्राइब।